नमस्कार, मैं नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित हैं? हमसे जानिए आपके आसपास के क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध घटनाओं के बारे में। श्रद्धा मर्डर केस की दिल्ली कोर्ट में सुनवाई जून से होने जा रही है। आफ्ताब पर मर्डर और सबूत मिटाने का आरोप। 18 मई 2022 को आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनवाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए हैं। एडिशनल जज मनीष खुराना कक्कड़ ने मंगलवार श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनवाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए हैं। एडिशनल सेशन जज मनीष खुराना कक्कड़ ने मंगलवार को कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 जो कि मर्डर और 201 अपराध के सबूत मिटाने के तहत मामला बनता है। 24 जनवरी पुलिस को इस मामले में आफ्ताब के खिलाफ 6629 पत्नों की चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, इसलिए आफ्ताब पर मर्डर और सबूत मिटाने का केस बनता है। इस पर आफ्ताब के वकील ने कहा कि वह मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। दरअसल नियम के तहत कोर्ट ने आरोप पर तय होते ही आरोपी के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, आरोप स्वीकार करने पर कोर्ट फौरन सजा सुनाती है। दूसरा, मुकदमे का सामना करना। आफ्ताब ने आरोप को नकार दिया है, मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। कपड़ा फैक्ट्री से बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। पुष्कर में संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज। चाइल्ड लाइन को सौंपे बच्चे। पुष्कर का कपड़ा उद्योग अब इतना विस्तार हो चुका है कि ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश से रोजगार की तलाश में कारीगर और मजदूर पुष्कर का रुख करते हैं। इसी का नतीजा है कि कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक बड़ी कपड़ा फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं। इन कपड़ा फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी की सूचना पुष्कर पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने फैक्ट्रियों पर दबिश दी। ज्वेलरी खरीद कर निकले पति पत्नी पर हमला किया गया। 3 बदमाशों से भिड़ गया युवक। ज्वेलरी खरीद कर शॉप से बाहर निकले पति पत्नी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाश युवक के हाथ से ज्वेलरी से भरा बैग छीनने की कोशिश करते हैं। युवक उनका मुकाबला करता है। पिस्तौल दिखाने पर भी युवक डरता नहीं है। घटना कोटा के बारखेड़ा इलाके की सोमवार देर शाम 7 बजे की है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।